नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति के सागर में स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास में सास और तीन बहुओं की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी गांव में एक बुढ़ी माँ अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। बुढ़ी माँ के तीन बेटे थे। अभी तक किसी की भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए घर का सारा काम बुढ़ी माँ को ही करना पड़ता था। बुढ़ी माँ भगवान शिव की भक्त थी। उन्हें घर में तो पूजा पाठ का समय नहीं मिल पाता था, लेकिन वो शिव चर्चा में जाती थी। बुढ़ी माँ पहले घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना बनाती, सब काम उनको अकेले ही करना पड़ता था। वो बहुत थक जाती थी और बहुत दुखी हो जाती थी। उसी मन से वो शिव चर्चा में जाती थी। एक दिन बुढ़ी माँ शिव चर्चा में गई तो वो बहुत थकी हुई थी और दुखी लग रही थी। वहाँ आने वाली औरतों ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो? तब बुढ़ी माँ ने कहा, मैं दुखी नहीं हूँ, पर क्या करूँ, काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। तो उन औरतों ने कहा, तुम्हारे तो तीन तीन बेटे हैं, तो बड़े बेटे की शादी कर लो, बहू घर में आएगी तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। तब बुढ़ी माँ ने कहा, अब मुझे अपने बड़े बेटे की शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझसे काम नहीं होता है। फिर बुढ़ी माँ ने अपने सभी रिश्तेदारों में कह दिया कि कोई सुशील सुंदर लड़की हो तो बताना, मुझे अपने बड़े बेटे का विवाह करना है। सब ने पूछा, दहेज में क्या लोगी बुढ़ी माँ? बुढ़ी माँ ने कहा, 2 लाख दिलवा देना। फिर एक रिश्तेदार ने एक लड़की के बारे में बताया और 2 लाख में शादी तय हो गई। बुढ़ी माँ ने धूमधाम से अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। अब बहू घर पे आई। तब बुढ़ी माँ सोची, अब तो बहू आ गई है, वह तो सारा काम कर लेगी, अब मैं आराम से शिव चर्चा में जाऊंगी। दूसरे दिन बुढ़ी माँ 5 बजे ही उठ गई, सब काम करने लगी, लेकिन बहू 10 बजे सोकर उठी। बहू कोई भी काम नहीं करती थी। बुढ़ी माँ खाना बना देती तो सबसे पहले खाना लेकर खा लेती। उसे बिल्कुल भी ये चिंता नहीं थी कि सास ससुर ने खाना खाया है कि नहीं। इसी तरह 10-15 दिन बीत गए। तब सासू माँ ने बहू से कहा, बहू तुम जल्दी उठा करो और घर का काम किया करो, मुझे शिव चर्चा में जाना है। तब बहू ने कहा, क्यों, आपने मेरे पापा से 2 लाख लिए हैं, मैं काम क्यों करूं? 2 लाख में मैं 2 साल तक कोई काम नहीं करूंगी। तब बुढ़ी माँ बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और सारा काम करके शिव चर्चा में जाती है। उनको दुखी देखकर फिर से सभी औरतों ने पूछा, अब आप दुखी क्यों हो? अब तो आपकी बहू आ गई है, सारा काम तो वही करती होगी, तो तुम्हें अब क्या परेशानी है? तब बुढ़ी माँ ने कहा, क्या बताऊं बहन, बहू कुछ भी काम नहीं करती, 10 बजे सोकर उठती है और खाना बना दूं तो सबसे पहले लेकर खा लेती है। बस तब सारी औरतें कहती है, बहन तो अपने मझले बेटे की शादी कर दो, सब बहुएं एक जैसी नहीं होती, वह काम कर लिया करेगी। तब बुढ़ी माँ ने फिर से अपने रिश्तेदारों से लड़की देखने को कहा और कहा कि इस बार मैं 4 लाख लूंगी। फिर एक संपन्न परिवार मिल गया और वह 4 लाख रुपया देने के लिए तैयार भी हो गए। फिर धूमधाम से बुढ़ी माँ ने मझले बेटे की शादी कर दी। जब मझली बहू घर आई तो बड़ी बहू ने कहा, मेरे पापा ने मेरी शादी में 2 लाख दिए थे, इसलिए मैं 2 साल तक कोई काम नहीं करूँगी। दूसरे दिन सुबह मझली बहू 12 बजे सोकर उठी और वह भी कोई काम नहीं करती। अभी सारा काम फिर से बुढ़ी माँ को ही करना पड़ता। 10-15 दिन बाद बुढ़ी माँ ने मझली बहू से कहा, बहू बड़ी बहू तो कोई काम नहीं करती, लेकिन तुमको जल्दी उठा करो, लेकिन तुम तो जल्दी उठा करो और घर का काम किया करो। तो उसने कहा, माँ जी मेरे पापा ने तो 4 लाख दिए हैं, मैं भी 4 साल तक कोई काम नहीं करूँगी। बुढ़ी माँ बहू की बात सुनकर बहुत दुखी होती है। अब बुढ़ी माँ को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो बहुत ही थक जाती है। फिर बुढ़ी माँ शिव चर्चा में गई तो उन गुरु बहनों ने फिर से पूछा, क्या बात है बहन, अब तुम उदास क्यों हो? उन्होंने कहा, क्या बताऊं बहन, यह बहू भी 12 बजे सोकर उठती है और कोई भी काम नहीं करती। तब उन औरतों ने कहा कि तुम अपने छोटे बेटे की शादी कर लो,
शायद वह सही निकल आए। फिर बुढ़ी माँ ने अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी, लेकिन उसने सोच लिया कि अब मैं एक पैसा दहेज में नहीं लूंगी, और आखिर एक गरीब लड़की से अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया। बहू घर पे आई तो वह बहुत ही गरीब थी और संस्कारी भी थी, और वहीं दोनों बड़ी बहुओं को अमीरी का घमंड था। सुबह जब बुढ़ी माँ झाड़ू लगा रही होती है, तभी छोटी बहू आई और बोली, माँ जी लाइए झाड़ू, मैं लगाती हूँ, अब आप कोई काम मत कीजिएगा, सारा काम मैं कर लूँगी। फिर छोटी बहू घर का सारा काम करती है, सास ससुर की सेवा करती है, जिसे देखकर बुढ़ी माँ बहुत ही खुश होती है और खुशी खुशी वह शिव चर्चा में जाती है। तो सब औरतों ने पूछा, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। तो वो कहती है, हाँ छोटी बहू बहुत अच्छी है, घर का सारा काम करती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा और सावन का महीना आ जाता है। बुढ़ी माँ और छोटी बहू मिलकर पूजा पाठ करती है और सावन का सोमवार का व्रत रखती है। एक दिन बुढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बहू सावन का महीना चल रहा है, चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। दोनों सास बहू गंगा स्नान के लिए चल देते हैं। दोनों सास बहू गंगा स्नान करने लगे, इधर भगवान से उस सब देख रहे थे। उन्होंने एक साधु बाबा का रूप लिया और सरंगी लेकर उस वृद्ध माँ के घर के सामने बैठकर सरंगी बजाने लगे और भिक्षा मांगने लगे। तब साधु बाबा ने बहुओं से कहा, बेटी कुछ खाने को दे दो। सरंगी की आवाज़ सुनकर बहू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों ने कहा, बाबा पहले आप इसे बजाना बंद कीजिए और यहाँ से जाइए, हमने कभी कोई काम नहीं किया है, अपनी सास को कभी एक गिलास पानी तक नहीं दिया है, और तुम्हारे लिए भिक्षा दे दें। यह सब उनकी बात सुनकर साधु बाबा को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने कमंडल से पानी निकाला और दोनों के ऊपर डाल दिया, और देखते ही देखते दोनों भैंस बन गए। यह सब गांव की कुछ औरतें देख रही थी। वह साधु बाबा वहां से चले गए। वह दोनों भैंसे चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी आवाज़ भैंसे की ही हो गई। फिर जब छोटी बहू और बूढ़ी माँ गंगा स्नान करके लौटी तो अपने घर के आगे भैंसे देखकर कहा, बहू ये भैंसे किसकी है, हमारे यहाँ कैसे आई। बहू ने कहा, माँ जी लगता है ये गंगा मैया और भगवान शिव की कृपा है। फिर दोनों सास बहू अंदर गई। सास बहू ने अंदर जाके देखा तो दोनों बहुएं नहीं थी। बूढ़ी माँ ने कहा, यह दोनों कहाँ चली गई। उन्होंने सब जगह देखा, लेकिन दोनों बहुओं में कहीं कोई नहीं मिला। फिर बुढ़ी माँ गांव वालों के पास गई। तब गांव की औरतों ने बताया कि तुम्हारे घर एक साधु बाबा आए थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो तुम्हारी दोनों बहुओं ने उन्हें भिक्षा नहीं दिया और उनका अपमान किया, इसीलिए वो क्रोध में आकर साधु बाबा ने उन पर जल छिड़क दिया और तुम्हारी दोनों बहुएं भैंस बन गई। यह सुनकर बुढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी उन साधु बाबा के पीछे गई। उन्हें साधु बाबा मिले तो बुढ़ी माँ ने कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहू को क्षमा कर दो, उनके बदले में मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब साधु बाबा बने भगवान शिव ने कहा कि वो दोनों तो तुमसे काम करवाती है, तुम्हें एक गिलास पानी तक नहीं देती, फिर भी तुम उनके लिए माफ़ी मांग रही हो। तो बुढ़ी माँ ने कहा, भगवान वह जैसी भी है मेरी बहू है, मेरे बेटों का घर बिगड़ जाएगा, आप चलिए मेरे साथ। तब साधु बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन तुम मंदिर से गंगा जल लेकर उन पे छिड़क देना तो वह पहले जैसी हो जाएंगी। फिर क्या था, बुढ़ी माँ ने मंदिर से गंगा जल लिया और उन पर छिड़क दिया और वह दोनों पहले जैसी बन गई। फिर बुढ़ी माँ ने कहा, अब तो सुधर जाओ, पाप करना छोड़ दो, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, तो तुम्हारे जीवन सुधर जाएंगे। फिर दोनों बहुएं ने अपनी सास से क्षमा मांगी और अब वह पूजा पाठ करने लगी और अपनी सास की सेवा करने लगी। अब सब सास बहू मिलकर शिव चर्चा में जाने लगी और उनका जीवन भगवान शिव की कृपा से खुशियों से भर गया। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।